नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। आज मैं आपको कुछ खास बातें बताना चाहूँगा वास्तुशास्त्र और अपने अनुभव की। मेरी इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आपने ये वीडियो नहीं देखी तो ये मान के चलिए आपने अपनी एंट्री के वास्तु के बारे में नहीं जाना कि आपकी एंट्री का वास्तु कैसा होना चाहिए। आज मैं अपनी इस वीडियो में ऐसी खास बात बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आपके काम बनते बनते क्यों बिगड़ जाते हैं, क्यों हमेशा आपके काम में रुकावटें आती है, आज मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। जब आपकी एंट्रेंस में इस प्रकार से वास्तु दोष बन जाता है तो आपके यहाँ दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। आपका घर चाहे किसी भी दिशा का है और आपने अपने घर की एंट्रेंस को बहुत सुंदर तो बना रखा है, वहाँ पर बहुत सारे गमले भी रखे हुए हैं, लेकिन गमले रखते हुए आपने गलती क्या कर रखी है? अगर ऐसी गलती है तो मेरा अपना मानना है कि आपके काम समय पे पूरे नहीं होंगे। आप अपने कामों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। क्या गलती होती है? मान लीजिए ये आपके अपनी एंट्रेंस है यहाँ तक की, और आपने लेफ्ट और राइट में गमले रखे हुए हैं, और ये गमले आपके दरवाजे के चौखट के आगे, यानी यहाँ पर आपके अपने गमले आते हैं, इस दरवाजे के हिस्से में गमले आते हैं, तो मेरा अपना मानना है कि आपका काम कोई भी समय पर पूरा होगा नहीं, हमेशा ही आपके काम में अड़चन बनी रहेगी। ठीक है, एंट्रेंस दिखने में सुंदर तो बहुत लगती है, लेकिन हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो आपका अपना मेन गेट है, ये आपका अपनी एंट्री डोर है, ये आपकी अपनी एंट्री डोर है, इसकी सीध में इसके आगे कोई भी सामान नहीं आना चाहिए। ये रास्ता हमेशा ही क्लियर होना चाहिए। दरवाजे की एक चौखट से दूसरी चौखट तक इसके ठीक सामने कोई भी गमला, कोई भी सामान नहीं आना चाहिए। गमले भी आपके हमेशा साइड में रखे होने चाहिए। जैसे ये गमला साइड में रखा है, ऐसे ही आप 1, 2, 3, 4 गमले साइड में रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर भी आप लेफ्ट में और राइट में दोनों तरफ 1 गमला, 2 गमले, 3 गमले आप लाइन में लगा सकते हैं, लेकिन दरवाजे के ठीक सामने, दरवाजे के चौखट के ठीक सामने गमले नहीं आने चाहिए। आप अपने घर की एंट्रेंस पर बाहर शू रैक रखते हैं तो शू रैक रखते समय भी आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए जो शू रैक है वो भी आपकी दरवाजे की चौखट के आगे ना आए, वो भी आपके अपने साइड में आए। जैसे ही आपकी अपनी एंट्रेंस है तो यहाँ पर आप अपना शू रैक रख सकते हैं, ऐसे ही आप यहाँ पर भी अपना शू रैक रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग आपके घर है और उसमें नॉर्थ ईस्ट में आपकी एंट्री है तो नॉर्थ ईस्ट में कोशिश करें कि आप अपने शू रैक ना रखें। अगर आपने अपने यहाँ पर शू रैक रखने हैं, आपके यहाँ रिवाज है या आपने अपना सिस्टम बनाया हुआ है कि जो बाहर के जूते हैं वो बाहर ही उतार कर आए, घर के अंदर जूते लेकर चप्पल लेकर नहीं आते, तो आपके शू रैक लाइट वेट के होने चाहिए और वहाँ पर जो शूज़ रखें उनको अच्छे तरीके से क्लीन करके ही रखें। गंदे शूज़ नॉर्थ ईस्ट के भाग में नहीं रखने चाहिए, इस बात का आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ जो आपके अपने एंट्रेंस है, एंट्रेंस के आगे आप फुटमैट भी डाल कर रखते हैं। फुटमैट आपका साफ़ सुथरा होना चाहिए, कटा हुआ फटा हुआ फुटमैट नहीं होना चाहिए, डोरमैट नहीं होना चाहिए। और इसी के साथ मैं आपको खास बात और बताना चाहूँगा, जब आप अपने गेट के लेफ्ट और राइट में गमले रखते हैं, फ्लावर पॉट रखते हैं, तो उनके अंदर कांटे वाले पौधे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, कैक्टस नहीं होने चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो मेरा अपना मानना है कि आपके जितने भी काम हैं वो सारे बनते चले जाएंगे, काम में रुकावट नहीं आएगी। क्योंकि मेन गेट, मुख्य द्वार, जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं और बाहर से जब आप अपने घर के अंदर आते हैं तो वहाँ की एनर्जी लेवल अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप घर से बाहर जाते हैं या घर के अंदर आते हैं तो आपके एंट्रेंस साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, और कैक्टस एंट्रेंस पर नहीं होने चाहिए। कैक्टस तो आपके अपने घर के अंदर कहीं भी किसी भी दिशा में नहीं होने चाहिए। इन बातों का आप ध्यान रखें,
तो मेरा अपना मानना है कि आपके सारे काम एक एक करके बनते चले जाएंगे। सिर्फ आपने अपने चौखट को किसी भी सामान से बचाना है, यानी चौखट के आगे, दरवाजे के आगे कोई भी सामान आना नहीं चाहिए। लेफ्ट में या राइट में, दोनों तरफ दरवाजे से हट के ही सामान लगे। ये बातें तो मैंने आपको बताई है दरवाजे के लेफ्ट और राइट के बारे में। इसी के साथ आपने ध्यान रखना है जो आपकी एंट्री डोर है इसके दरवाजे फर्श के साथ रगड़ नहीं खाने चाहिए, कब्जे आवाज़ नहीं करने चाहिए, यानी दरवाजे के हैं जो कब्जे हैं वो आवाज़ नहीं करने चाहिए। दरवाजे आपस में ज़ोर से भी नहीं टकराने चाहिए। जैसे दरवाजे बंद होते हैं आकर मिलते हैं तो वो आपस में ज़ोर से टकराने नहीं चाहिए, यानी कि आपका अपना मुख्य दरवाज़ा आवाज़ नहीं करना चाहिए। घर का कोई भी दरवाज़ा आवाज़ नहीं करना चाहिए, ना ही फर्श के साथ रगड़ खाना चाहिए, ना ही कब्जों में आवाज़ होनी चाहिए और ना ही डोर क्लोजर में आवाज़ होनी चाहिए। कुछ दरवाजे ऐसे भी होते हैं जो आपस में बहुत ज़ोर से बजते हैं, जब उनको बंद करते हैं तो बहुत ज़ोर से बजते हैं, जब उनको खोलते हैं तो बहुत प्रेशर से खोलते हैं। तो आप अपने दरवाज़ों को सही ज़रूर कराएं। जो मैंने आपको अपनी इस वीडियो में एडवाइस दी है, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आप वास्तुशास्त्र में रुचि रखते हैं, आप आर्किटेक्ट हैं या आर्किटेक्चर के स्टूडेंट हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, या आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, या आप कॉन्ट्रैक्टर है या ठेकेदार है या एस्ट्रोलॉजर है या आप बिल्डर है, तो भी आप हमारी पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो मंगवा सकते हैं। हमारी यह पुस्तक सिंपल सरल हिंदी भाषा में लिखी गई है, जिसे एक छोटा बच्चा भी पढ़कर समझ सकता है। इस पुस्तक को हमारे पिताजी ने प्रिंट कराकर समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए हैं। आप हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के बारे में हमसे ऑनलाइन सलाह लेना चाहते हैं तो आप अपनी साइट का मैप भेजकर, लेआउट भेजकर ऑनलाइन सलाह भी ले सकते हैं। और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं। और आप हमें साइट विजिट के लिए इनवाइट करना चाहते हैं तो साइट विजिट के लिए भी इनवाइट कर सकते हैं। ये सभी सर्विस हमारी पेड रहेंगी, चार्जेबल रहेंगी। मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक भी करें और मेरी इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर करें। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।